आज चैनलों पर आप जाइए, मेन स्ट्रीम जो चैनल अपने को कहते हैं, जिस तरह का वहां हाल है, नंगा, नंगी निरंकुशता, नंगा जातिवाद, नंगा वर्णवाद, और उसी को उन्होंने पत्रकारिता का एक अपना ये मान रखा है कि यही ग्रामर है। बाबा साहब के समय तो और भी नहीं थी, पूरा का पूरा प्रेस ही हिंदू प्रेस था, और बाबा साहब हिंदू प्रेस कहा करते थे। आज तो लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया भी कोई कह सकते हैं। साथियों, जय भीम। और मूक नायक के 100 साल बहुत महत्वपूर्ण परिघटना है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और किसी मित्र ने अभी बताया कि देश के 176 जगहों पे इस तरह का आयोजन हो रहा है, हो सकता है ज़्यादातर जगहों पर आज ही हो रहा हो। कुछ जगहों के बारे में मैं स्वयं जानता हूँ जो कल परसों चौथा दिन लगातार हो रहे हैं कई जगह, जिनको मान लीजिए कि कोई 31 तारीख या 30 तारीख कई लोगों ने पहले भी शुरू कर दिए। तो इसका मतलब यह है कि इस पूरे सप्ताह कई जगहों पे कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि आयोजकों में भी एक आदान प्रदान होता है कि भाई आपके यहाँ वो वक्ता जा रहे हैं, हमारे यहाँ कब होगा, कैसे होगा, तो वो लोग तारीख अपनी बदल रहे हैं। और अगर दुनिया के पैमाने पर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो यहाँ के उत्पीड़ित समाजों के लोग हैं, या जो डॉक्टर अम्बेडकर की पत्रकारिता, उनकी वैचारिकी को समझने वाले लोग हैं, वो मैं समझता हूँ कि दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटीज़ में, अनेक कॉलेजेस में, अनेक शहरों में इस तरह का आयोजन कर रहे होंगे। तो ये बात बताती है कि मुझे लगता है कि भारत में भले ही उत्पीड़ित समाजों की जो सियासत है, जो हमारे समाज का दलित, आदिवासी या इंटायर जो बहुजन है, उसकी सियासत को जरूर धक्का लगा है। अब मैं ये बात कहकर आपको शुरू में ही निराश नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से ये बात निकल रही है, ये असलियत है कि धक्का लगा है, लेकिन उसकी बौद्धिकता, उसकी वैचारिकी को नहीं लगा है। उसकी वैचारिकी पहले से ज़्यादा बड़ी ताकत के साथ उभरी है, और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी रचनाओं, उनके विचारों का सबसे बड़ा, बल्कि यूं कहा जाए प्राथमिक महत्व है। लंबे समय तक डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीवन काल में, उस समय के मीडिया जब प्रेस कहा जाता था, उस प्रेस से हमेशा उनको नजरअंदाज किया उस प्रेस ने। जिस तरह से आज भारत में दलित, आदिवासी, समूचे बहुजन समाज के आंदोलन को नजरअंदाज किया जाता है, इतने वर्षों के बाद भी अगर भारत के टेलीविजन चैनलों के न्यूज रूम में जाइए या अखबारों के दफ्तरों में जाइए, तो आपको SC ST जो कहते हैं सरकारी भाषा में, दलित आदिवासी हम आम तौर पे उसको कहते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि OBC के भी, जो उससे थोड़ा सा बेहतर श्रेणी अपने को मानते हैं कि हम थोड़ा समृद्ध हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हमारी स्थिति बेहतर है, उनके भी पत्रकार लगभग नगण्य हैं या बिल्कुल उनकी संख्या सीमित है। बाबा साहब के समय तो और भी नहीं थी, पूरा का पूरा प्रेस ही हिंदू प्रेस था, और बाबा साहब हिंदू प्रेस कहा करते थे। आज तो लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया भी कोई कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, बिल्कुल आरफा ने सही कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ से है जब मुट्ठी भर लोगों का मीडिया है। तो आज जो मीडिया भारत का है, अब आप कल्पना कीजिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्यों आज एक तरफा मीडिया है, उस समय भी एक तरफा मीडिया था। और मैं आपको बताऊं कि जितनी ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं भारत की, सबके प्रति वो इसी तरह का था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस कश्मीर के बारे में लगातार वर्षों से, दशकों से मिस रिपोर्टिंग हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया में, तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया में हो रही है, वो उस वक्त भी हो रही थी 1953 में, जब जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, उन दिनों जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री हुआ करता था, तो जब उस समय वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कुर्सी से उतार करके जेल डाल दिया गया था, बल्कि यूं कहा जाए कि कुर्सी पर बरकरार थे, कुर्सी से सीधे जेल में डाल दिया गया 1953 में,
उस वक्त भी पूरे देश का जो मीडिया था, प्रेस था, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को देशद्रोही बता रहा था, और उसके जस्ट पहले उनको महान देशभक्त बताया जा रहा था। क्यों? क्योंकि एक्सेशन उनके कारण हुआ था। सबसे बड़े फैक्टर अगर एक्सेशन के कोई था भारत में, कश्मीर के सम्मेलन का कोई था, तो वह हरी सिंह नहीं थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। और ये नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में जिस तरह का तालमेल था, उसका नतीजा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर भारत में सम्मेलन को तैयार हुआ और महाराजा को घुटने टेकना पड़ा। वरना आप सब जानते हैं जो इतिहास के विद्यार्थी हैं कि महाराजा तो अपना अलग देश चाहते थे, और वहाँ की जो हिंदुत्ववादी शक्तियाँ हैं वो महाराजा के साथ थीं। जो हिंदुत्ववादी शक्तियाँ आज कश्मीर को नेस्तनाबूद करने पर आमादा हैं, वहाँ की इंटायर जो पॉपुलेशन है, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसमें दलित भी हैं, जिसमें हर तरह के लोग, उत्पीड़ित लोग भी हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, ट्राइबल्स हैं, सबको उन लोगों ने एक तरह से हाशिए पर कर रखा है बरसों से। आज वो कह रहे हैं कि वो देशभक्त हैं, लेकिन उस वक्त वो भारत के साथ नहीं थे, भारत के विरुद्ध थे। तो मैं ये आपके सामने रखना चाहता था ये बात कि जो लोग नज़रअंदाज किए गए लोग हैं, आज भी जो उस समय नज़रअंदाज थे, आज भी नज़रअंदाज हैं हमारे देश के मेनस्ट्रीम मीडिया से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास सचमुच अगर देखा जाए तो मीडिया में अगर उनको वास्तविक स्थान मिलता तो उनको ज़रूरत नहीं थी 4-5 अखबार मैगजीन निकालने की। जब उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी बातें बिल्कुल नहीं आ रही हैं, तब उन्होंने शुरू किया पहली बार मूक नायक 1920 में। और उस समय उन्होंने जो कहा था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता आज एक ट्रेड बन गई है, एक धंधा, एक व्यापार बन गया है। आज तो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट का और सत्ता का एक खिलौना बन गया है। अंतर बस यही है, उस समय ट्रेड था, आज ट्रेड भी नहीं है, क्योंकि ट्रेड के भी अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, यहाँ तो कोई नियम ही नहीं है। वो बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह आज चैनलों पर आप जाइए, मेनस्ट्रीम जो चैनल अपने को कहते हैं, जिस तरह का वहाँ हाल है, नंगा, नंगी निरंकुशता, नंगा जातिवाद, नंगा वर्णवाद, और उसी को उन्होंने पत्रकारिता का एक अपना ये मान रखा है कि यही ग्रामर है, यही उसका 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 सारा का सारा विमर्श यही है, यही असल कहानी है जो वो पत्रकारिता में कर रहे हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में, आप सब लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप लोगों ने उनको पढ़ा है, समझा है कि उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत, जनता, तमाम तरह के इस तरह के अखबार निकाले, मैगजीन्स निकाली। पाक्षिक के रूप में मूक नायक जब आया तो तहलका मच गया। तहलका इसलिए नहीं मचा कि सब लोग उसको स्वीकार करने लगे, उसको लेने लगे, लेकिन दलित समाज में भारत का और जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी जितनी भारत की थी, उनको सचमुच लगा कि एक बड़ा महान प्रयास हुआ है, क्योंकि अतीत में, इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी कि एक संगठित ढंग से अखबार, संगठित ढंग से एक अपना प्रेस खड़ा किया जाए। शाहूजी महाराज का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, आप सब जानते हैं। उस समय बाबा साहब एक शासकीय शिक्षण संस्थान में पढ़ाते थे, और उस पर हमारे मित्र शिवराज सिंह बेचैन ने काफ़ी काम किया है। ये सब कहानी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जो असल कहानी आज की है, जो जुड़ती है उस समय की कहानी से, कि उस वक्त भी मीडिया इस तरह का था और आज का भी मीडिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, उस समय बाबा साहब सिर्फ अकेले थे, एक बड़ा राजनेता, एक बड़ा दार्शनिक, एक बड़ा विचारक, जिसने कांग्रेस पार्टी, जो आज़ादी की लड़ाई की सचमुच बड़ी ताकत थी, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, उसके टॉप लीडर्स जो आज के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जितने टॉप लीडर्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज़्यादा विचारवान थे, बहुत समझदार थे, और बहुत ज़्यादा धोखेबाज भी थे। तो इन सबको लेकर, इन सबको लेकर बाबा साहब ने अकेले वो लड़ाई लड़ी, वैचारिकता के मोर्चे पर सबको उन्होंने शिकस्त दी, और शिकस्त देते हुए उन्होंने जो चाहा उसमें से कई चीजें करा ली, और सबसे बड़ी उसमें जो चीज थी वो निश्चित रूप से एफर्मेटिव एक्शन की चीज थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें समझौता करनी पड़ी, क्योंकि अब कोई कह रहा है कि हम मर जाएंगे तो आपको समझौता तो करना पड़ेगा, कोई इन लोगों की तरह
निशंसता की राजनीति तो कोई नहीं करता जैसे आज के लोग करते दिख रहे हैं। तो पुणे पैक्ट जिस कंडीशंस में हुआ, जिस स्थितियों में हुआ, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आज आपके सामने ये बात रखता हूं कि आज तो साहब इतने देश में दलित आदिवासी पिछड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े धनी लोग हैं, आलीशान भवनों में रहने वाले लोग हैं, लंबी चौड़ी गाड़ियों में रहने वाले हैं। अंबेडकर के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर उन्होंने सियासत की है, उसका उनको फायदा मिला है। लेकिन क्या कभी इनमें से एक भी नेता ने अपना प्रेस, अपना कोई मीडिया संस्थान, अपने लोगों को सहयोग में लेकर, उनको साथ में लेकर एक बड़ा मीडिया, पैरेलल मीडिया खड़ा करने की, करोड़ों रुपयों, अरबों रुपयों के सहयोग से, नियोग निवेश से क्या खड़ा करने की कोशिश की? कभी नहीं की। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो काम अपने निजी प्रयास से, मित्रों के प्रयास से, अपने को मोहब्बत करने वाले लोगों के प्रयास से करके दिखाया अपने जमाने में, एक नहीं चार चार पांच पांच मैगजीने निकालते रहे, बुकलेट छापते रहे, छपवाते रहे, लोगों की बातों को प्रचारित करते रहे, वो जिजीविषा कहाँ है आज? जो लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, जो उनके नाम को झंडा बनाते हैं, जो उनको प्रतीक पुरुष मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि कैसे भारत के उस प्रेस को, उस मीडिया को, जो सिर्फ अल्पजन का मीडिया है, जो बहुत मुट्ठी भर लोगों का मीडिया है, उसके समानांतर एक ऐसा मीडिया खड़ा किया जाए जो सचमुच विकल्प बन सके, अपने लोगों की खबरें दे सके, अपने लोगों के विचारों, अपने लोगों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से खबरें दे सके। तो एक ये बड़ा सवाल मैं आपके दिमाग में छोड़े जाता हूं, इस पर जरूर सोचिए कि आखिर हमारे नेताओं की वो क्या बैंक्रप्सी है, हमारे जो नुमाइंदे हैं उनकी कौन सी ऐसी ये दरिद्रता है, सोच की दरिद्रता, कि पैसे की दरिद्रता उनके पास नहीं है, सोच की दरिद्रता है, ये क्यों आई है और इसका क्या खामियाजा हमारी जनरेशन को भुगतना पड़ा है। ये तो आप मनाइए एक एक, एक शुभ लक्षण कि हमारे बीच के जो बौद्धिक हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने अपने प्रयासों से, छोटे छोटे अपने निवेश से, बहुत साधारण कम पैसे में उन्होंने जो ये आउटफिट शुरू किए हैं, उन आउटफिट्स के कारण ही आपके सामने बहुत सारा विचार, बहुत सारा चिंतन, बहुत सारा डिस्कोर्स पहुंच रहा है। और इसके लिए मैं समझता हूं दलित दस्तक को या इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं दलित दस्तक का नाम इसलिए ले रहा हूं कि एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं, और यह भी इस बात का सबूत है कि मूक नायक के 100 वर्ष होने पर देश की राजधानी में यह भव्य समारोह जो कर रहा है दलित दस्तक, यह भी एक सबूत है कि सचमुच वो मेनस्ट्रीम मीडिया है बहुजन समाज का, और मेनस्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह के जितने संगठन आपके सामने दिखाई देते हैं, वो सब रचनाकार, लेखक, बुद्धिजीवी, जो बाबा साहब की विचारधारा, उनकी वैचारिकी से प्रेरित हैं, उन्होंने शुरू किया है। लेकिन जो सचमुच निवेशक हैं आपके समाजों में, वो न जाने क्या कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं साथियों, बाबा साहब एजुकेट करने की बात करते थे, ऑर्गेनाइज और एजिटेट करने की बात करते थे। आज एक बड़ा संकट यह भी है बहुजन समाज के सामने, दलित आदिवासी संपूर्ण बहुजन समाज के सामने, कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाबा साहब ने एक जगह जो कहा कि संवैधानिकता के का हमें पालन करना चाहिए अब, और हमें कोई सड़क पर आंदोलन नहीं करना चाहिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि कुछ नेताओं ने लोगों को समझाया, खासकर दलित आदिवासी बहुजन समाज के लोगों को, कि आप लोग सड़क पर मत जाइए, यह मूर्खता का चरमोत्कर्ष ही नहीं है बल्कि समझौता परस्ती का एक बहुत बदबूदार नमूना है, बेहद बदबूदार नमूना है समझौता परस्ती का। निजी महत्वाकांक्षाओं, निजी विफलताओं की वजह से अगर कंप्रोमाइजेस कोई कर रहा है, इसके लिए पूरी जमात को, पूरे समाज को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए बलिवेदी पर, यह गलत बात है। बाबा साहब ने, हम तो बहुत साधारण छात्र हैं बाबा साहब के रचना साहित्य का, लेकिन हमने जितना बाबा साहब को पढ़ा है थोड़ा बहुत, हमसे ज़्यादा पढ़ने वाले शिवराज सिंह बेचैन यहाँ पर मौजूद हैं, वो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ज़रूर आपके सामने बताएंगे, जिस आदमी ने अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष किया
उसको कोट करके या उसका नाम लेकर अगर आप कहते हैं कि लोग संघर्ष ना करें तो ये इसको क्या कहा जाएगा? कितने सत्याग्रह, पानी का सत्याग्रह हो, इज्जत का सत्याग्रह हो, पार्टिसिपेशन का हो, एम्पावरमेंट का हो, इतने सारी लड़ाइयां लड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने बात कही थी वो एक खास संदर्भ है। ये काम तो गोदी मीडिया करता है कि एक जगह एक छोटी सी बात को उठाकर हर जगह उसको अप्लाई कर देता है। इसको कहते हैं डिस्टॉर्शंस, इसको कहते हैं मिसकोट करना। जब बाबा साहब की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में बनाया संविधान, जब वही आज स्टेक पर है, जब उसी के वजूद पर खतरा है, तो आप कहिए कि सड़क पर मत जाओ, आवाज मत उठाओ, कलम मत उठाओ। संविधान को बचाने के लिए क्या आपको बिल्कुल खामोश रहना चाहिए, सिर्फ बयान जारी करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि आज एक महत्वपूर्ण जो प्रासंगिक सवाल है वो ये भी है कि बाबा साहब ने लोगों को शिक्षित होने की बात की, लोगों को एकताबद्ध होने की बात की, लोगों को संघर्ष करने की बात की। उनकी शिक्षाओं को अगर कोई विकृत रूप में आपके सामने पेश कर रहा है तो बाबा साहब के साहित्य की रोशनी में सही सवाल उठाए जाने चाहिए।